Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is, I want something in a cage. So, बच्चों आपको ये clear हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? Parcel है, एक shopkeeper है, जिनकी जो है pets की जो है shop है. जैसे कल भी मैंने आपसे पूछा था कि how many of you have pets? और यहाँ पे हम किनकी बात कर रहे हैं? डॉग्स कैट्स की नहीं, स्पेशली केस बर्ड्स की बात करें, केस एनिमल्स की बात करें जिनको पिंजरे में रखा जाता है, जैसे रैट हो गए या बर्ड्स हो गई या रैबिट्स हैं, तो उनकी बात करें, राइट? तो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है कि ये पर्सन है जिनकी पेट शॉप है और एक जो है यहाँ पे कस्टमर आते हैं, बायर आते हैं, स्ट्रेंज टाइप के हैं, क्योंकि वो जो है किसी जो बर्ड्स को लेते हैं, डव्स को, ए पेयर ऑफ डव्स ही बर्ड, और उनको क्या करते हैं, सेट देम फ्री, और फ्री जो है छोड़ देते हैं. तो उन्हीं को जो है यहाँ पे स्टोरी है कि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. तो कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. तो बच्चों यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? मिस्टर पर्सन. जिनकी क्या है, एक पेट शॉप है. देयर इज अ कॉन्स्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस, लगातार वहां पे किसका नॉइज आ रहा है, स्क्रीचिंग, चिटरिंग, चिड़ियों की आवाजें आ रही है वहां पे. बट मिस्टर पर्सन जो है इज हैप्पी अनवेयर ऑफ इट, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं और कैसे हो जाते हैं, सराउंडिंग उसके हैबिचुअल हो जाते हैं. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर, तो यहाँ पे जो है ब्रीफ दिया है, द स्टोरी ऑफ ए नेचर लवर हु शॉक्ड द शॉपकीपर. शॉपकीपर वॉज एन एल्डरली, मतलब ज्यादा एज जो है यंग नहीं है, एल्डरली पर्सन. इट वॉज अनयूजल फॉर हिम टू हैव ए बायर हु नेगोशिएटेड. पहले वो क्या करते हैं, नेगोशिएट में कोई मोल भाव करना. कई बार होता है ना कि हम लोग भी कुछ लेने जाते हैं तो नेगोशिएट करते हैं, भाई ये इतने का है ये, तो यहाँ पे भी वो नेगोशिएट कर रहे हैं फॉर ए पेयर ऑफ डव, और बाद में उसे क्या करते हैं, देन सेट द बर्ड फ्री, उनको छोड़ देते हैं. द शॉपकीपर वॉज बिविल्डर्ड एट सच अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर. क्लियर? तो ये हमने बच्चों कल यस्टरडे भी डिस्कस. तो बच्चों जहां तक हमने चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से जो मिस्टर पर्सन है वो किस पे विश्वास नहीं करते, डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, भूतों पे विश्वास नहीं करते हैं. और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक स्ट्रेंजर आए थे और उनके जाने के बाद, आफ्टर हिज डिपार्चर, उनके जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे एक मस्टी से स्मेल, बैड स्मेल, मस्टी मीन्स बैड स्मेल, और ऐसा लगता है जैसे कि हॉन्टेड प्लेस. हॉन्टेड प्लेस क्या होते हैं या हॉन्टेड हाउस क्या होते हैं? अबेंडेड मीन्स एम्प्टी, खाली, जहाँ पे जो है अक्सर जो है भूत और इन चीजों पे जो बिलीव करते हैं, तो वैसी स्मेल जो है वहां पे आ रही थी. उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से उनका करेक्टरिस्टिक बताया था कि कैसे करेक्टर जो है मिस्टर पर्सन कैसे हैं, फसी है, स्मॉल है. फसी का मतलब कल यस्टरडे भी डिस्कस कि थोड़े से कैसे थे, इरिटेटेड थे, किसी चीज पे जल्दी से विश्वास नहीं करते थे या चिढ़ जाते थे, उसको बोलते हैं फसी मैन. रेड चीक्स पे एक टाइट मालन जो है उनका स्टमक था, लार्ज मैग्नीफाइड ग्लास थे उनके. और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डिस्कस कराया कि किस तरह से वहां पे जो उनके शॉप में हमेशा किसकी आवाजें आती है, डिफरेंट टाइप्स की नॉइजेस आती है, बर्ड्स की, एनिमल्स की, बट वो जो है इन चीजों से अनअवेयर रहते हैं क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए इनको सुनने की. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से एवरी मॉर्निंग, किस तरह से व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड, तो वो क्या करते थे, ही सैट ऑन अ हाई स्टूल. तो कल हमने पढ़ा था कि हाई स्टूल कैसा होता है, कि ऊंचा से एक स्टूल होता है, परचमनी सिथ, उसमें बैठ जाते हैं. विच वॉज कैप्ट बिहाइंड, कहाँ रखा रहता है, बिहाइंड द काउंटर. और जैसे आप लोग कभी शॉप में गए हो तो आगे काउंटर रहता है, उसमें के पीछे बैठने की जगह, बट वो किसमें बैठते थे, एक हाई स्टूल, एक ऊंचा सा स्टूल होता था. ही सैट ऑन इट आफ्टर फिनिशिंग या आफ्टर कंप्लीटिंग, जो है अपना काम करने के बाद जो है उसके इतना ऊंचा सा स्टूल है उसके ऊपर ही सेट ऑन इट. बिहाइंड द काउंटर, उसके बाद क्या करते थे वो, अनफोल्डेड जो न्यूज पेपर होता था उसको अनफोल्ड करते थे,
एंड आफ्टर दैट ही रीड ऑल द न्यूज. और जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था बच्चों, डाइजेस्ट. डाइजेस्ट मीन्स कि पूरा पेपर, मतलब एक एक हेडिंग और जो है वो पूरा रीड करते थे, और उसको पढ़ते समय व्हाइल ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर जो फेस के एक्सप्रेशन होते थे, ओ यस, आईब्रोज की भी जो है उनकी एक्सप्रेशन से पता चल जाता था, कभी फ्रॉन करते थे, कभी स्माइल करते थे, तो पूरे एक्सप्रेशन उनके फेस से दिखाई देते थे. इवन एडवर्टाइजमेंट के भी कॉलम को वो क्लियरली पढ़ते थे. और उसी समय जो है यहाँ पे बताया कि वेदर कैसा था, कि एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, और किस तरह से मिस्ट मॉइस्चर जो है हवा में था, और वहां से जो है खिड़की में स्ट्राइक होता है तो कैसा हो जाता है वो, विंटी सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद द थिक फॉरेस्ट. तो बच्चों येस्टरडे वी डिस्कस, इसलिए आज हम जो है इसको ब्रीफ में ओवरव्यू दे रहे हैं. और फर्स्ट पार्ट ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहां पे एक बेल है, जैसे हमारे घर में होती है ना बच्चों बेल होती है, कोई हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो क्या करते हैं वो, कॉल बेल बजाते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी शॉप के बाहर एक क्या थी, बेल थी. देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर कस्टमर एंटर्ड. जब कोई भी कस्टमर आता था या बायर आता था तो वहां पे क्या होता बच्चों, बेल बजाता था. बट उस दिन क्या हुआ, दैट मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बारी क्या हुआ था, मिस्टर पर्सेल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग. जो बेल थी वो नहीं रिंग हुई है, और फर्स्ट टाइम ये हुआ था, इतने साल से वो शॉप में थे, बट फर्स्ट टाइम इट फेल टू रिंग. सिंपली ही ग्लांस्ड अप और अचानक उन्होंने देखा, क्योंकि उसके एक स्ट्रेंजर जो है वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो वो ही ग्लांस अब पेपर पढ़ते पढ़ते जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी खड़ा था स्टैंडिंग जस्ट इन साइड द डोर एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ द ऑफ थिन एयर. और ऐसा लगता था कि वो जो है वहां पे मेटेरियलाइज हो गए हैं, कहीं से जो है प्रकट हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक जो है वहां पे आ गए, क्योंकि ना तो कॉल बेल बजी, ना उनके आने की हार्ट हुई. और सिंपली जब उन्होंने जो है ही ग्लांस अप, तो उन्होंने क्या देखा, ही सॉ ए स्ट्रेंजर स्टैंडिंग इन साइड द डोर एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ द थिन एयर. ऐसा लग रहा था कि अभी जो है वो कहीं से जो है प्रकट हुए. द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस. अब ये जो है हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो वहां पे खड़े होते हैं, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जैसे उनकी आदत है स्माइल करा, नॉडेड करा, गुड मॉर्निंग, और कैसे करते थे पर्सन, अपना हाथ को रब करते थे और थोड़ा सा स्माइल करके पूरे एनर्जी से उन्होंने कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. सब बच्चों हम पढ़ेंगे, द कस्टमर वॉन्ट समथिंग दैट हैज बीन. अब उसकी फरमाइश क्या थी, ये हम आगे जो है नेक्स्ट सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे, कि उसकी जो है डिमांड क्या थी, कि ऐसा उन्हें पैच चाहिए जो केयर्स होना चाहिए, और उसकी क्या होनी चाहिए, विंग्स होनी चाहिए, राइट. ही स्पेंट हिज 10 इयर्स अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स. अब 10 साल उसे लगे थे इतना अर्न करने के लिए. व्हाट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड इज द स्ट्रेंजेस्ट एक्ट मिस्टर पर्सेल हैज द बर्ड सीन. मतलब इतने बायर आए, इतने कस्टमर आते हैं उनके शॉप में, बट फर्स्ट टाइम ऐसा कस्टमर आया, ये स्ट्रेंजर आया जिसने जो है बर्ड्स को जो भी करा था, अभी हम लेटर हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं बता दूंगी तो सीक्रेट जो है पता चल जाएगा आपको. तो जो भी उसने करा था बर्ड्स के साथ, दैट नेवर सीन बाय, या उन्होंने कभी नहीं देखा था, द स्ट्रेंजर एक्ट मिस्टर पर्सेल हैज नेवर सीन, पहले कभी ऐसा एक्ट नहीं देखा था जैसा उस स्ट्रेंजर ने किया, करेक्ट. दैट्स, अब उसके शूज कैसे थे, शाइनी स्क्वीज्ड फॉरवर्ड, हिज सूट वाज चीप, और उसने जो पहने हुए थे कैसे थे, वो चीप लग रहा था, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू. उसके जो कपड़े थे, सूट था नया था बट इल फिटेड. अगर बच्चों क्या होता है, आप महंगे से महंगा कपड़ा ले ले, अगर उसकी फिटिंग सही नहीं है तो वो जो है कैसा लगता है, चीप टाइप का लगता है, अच्छा नहीं लगता. तो सेम गए हैं, उसका सूट नया था बट इट वॉज इल फिटिंग. ही हैड ए शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, इग्नोरिंग पर्सेल फॉर द मोमेंट, ही रोल्ड हिज गेज अराउंड. जो है वो इधर उधर जो है ध्यान नहीं दे रहा था, और अपना जो है ए नेस्टी मॉर्निंग,
volunteered the shopkeeper. He clasped both the hands across his melon like a stomach and he smiled importantly. I see by the paper we are in उसने कहा कि भाई मैंने जो है पेपर में क्या पढ़ा था कि आज जो है बहुत ठंड होने वाली है. कोल्ड स्पेल में बहुत ठंड होने वाली है. वी वर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल. तो उसने अपने हाथों को कैसे रखा अपने पेट में जो उसका जो है पेट था मेलन टाइप, तो उसमें हाथ रख के वो बोलता है कि आज जो है मैंने क्या पढ़ा था पेपर में कि ठंड होने वाली है. नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड. द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस. अब उसे लग रहा था कि भाई उसे लगा कि अब भाई अपने प्रेजेंस को करते हुए. ही सेड आई वांट समथिंग. क्या बोला. व्हाट ही सेड. आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो किस में होना चाहिए. केज में होना चाहिए. पिंजरे में होना चाहिए. समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सल वॉज बिट कंफ्यूज. तो पर्सल जो थे मिस्टर पर्सल ही वॉज कंफ्यूज कि ये क्या बोल रहे हैं कि समथिंग ही वॉन्ट समथिंग इन अ केज. कि ऐसा चाहिए उन्हें जो केज में होना चाहिए पिंजरे में होना चाहिए. यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट. तो उसने जो है उसे पूछने की कोशिश करी. आई मीन व्हाट आई सेड. स्नैप द मैन. समथिंग इन अ केज. समथिंग दैट इज स्मॉल. कि ऐसा कुछ जो पिंजरे में होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए. आई सी हैज बीन द स्टोर कीपर. नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड. हिज आईज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स. नाउ लेट मी थिंक. तब उसने कहा ठीक है तुमने जो बोला है कि मेरे को जो है थोड़े से एक्सप्रेशन फेस के बनाए. उसने कहा नाउ लेट मी थिंक. ये मुझे सोचने दो. उसने कहा एकदम से इट वाइट है कि चूहा. उसने कहा छोटा सा चाहिए मुझको. इट मस्ट बी इन द केज. और क्या होना चाहिए. केज में होना चाहिए. पिंजरे में होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर या स्टोर कीपर. तो उसने कहा ए रैट. परहैप्स आई हैव सम वेरी नाइस व्हाइट रैट्स. उसने कहा मेरे पास कुछ अच्छे जो है व्हाइट रैट्स है. तो जैसे आपकी डिमांड है कि क्या होना चाहिए पेट. Should be in the cage. और छोटा होना चाहिए. Something that is small. तो उसने बोला no. Said the man. Not rats. Something with. उसने कहा नहीं नहीं भाई मुझे rats नहीं चाहिए. I don't want rat. Something with wing. I want something in cage or something with wings. दो condition है. Cage में होने चाहिए और उसके wings होने चाहिए. पंख होने चाहिए. Something that flies. जो उड़ सकते हैं. A bird, exclaimed Mr. Purcell. तो तुरंत पर्सेल ने यह बोला शॉपकीपर ने. बर्ड चिड़िया जिसके क्या है पिंजरे में है और उसके पास क्या है पंख विंग्स है. ए बर्ड्स ऑल राइट. द कस्टमर पॉइंटेड सडनली अ सस्पेंडेड केज. अब यहाँ पे क्या उसने कहा ए बर्ड्स. हाँ ठीक है कि इट्स ऑल राइट. एक सस्पेंडेड मीन्स एक केज था वहां पे पिंजरा जो है सस्पेंडेड मीन्स टंगा हुआ था वहां पे. तो द कस्टमर पॉइंटेड. अब जो बायर था कस्टमर ही पॉइंटेड सडनली अ सस्पेंडेड केज. पिंजरे की तरफ इशारा करके उसने बोला विच कंटेन टू स्नोवी बर्ड्स. स्नोवी बर्ड्स मीन्स दो जो है सफेद बिल्कुल स्नो की तरह सफेद जो है व्हाइट बर्ड्स थे केज है. तो ही पॉइंटेड दैट केज द हाउ मच फॉर दोस. उसने कहा ये डव्स जो उसने पॉइंटेड करा इशारा करा किसकी तरफ. एक सस्पेंडेड केज था जिसके अंदर क्या थी कंटेन टू स्नोवी बर्ड्स व्हाइट बर्ड्स. कौन सी थी डव. उसने कहा हाउ मच फॉर दोस. कितने पैसे वे थी. उसने कहा 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस. दे आर ए फाइन पेयर 550. अब किसने बोला पर्सल ने बोला इसका. उसने पूछा कितना रेट है. उसने कहा 550 और ये जो है एक रिजनेबल रेट है और ये जो है बहुत अच्छा पेयर है फाइन पेयर है 550. अगेन ही सेड कॉस्ट उसकी किसने बताई डव की अ पेयर ऑफ डव 550. द मैन वॉज ऑब्वियसली. अब उसे क्या लगा क्रेस्ट फॉलन. अब क्रेस्ट फॉलन किसको बोलते हैं बच्चों देखो. क्रेस्ट फॉलन होता है कि अब उसने कहा जैसे 550 बोला तो उसका थोड़ा सा सर जो है क्रेस्ट मतलब जो हमारा हेड है वो क्या है क्रेस्ट फॉलन में गिर गया. तो सर उसका क्या हो गया झुक गया.
उसको बोलते हैं क्रस्ट फॉलिंग. तो अगर आप जो है देखें कि एक्सप्रेशन करके तो ये मीनिंग जो है क्लियरली आपके समझ में आएगा, क्रस्ट फॉलिंग, उस पर झुकाना, तो दैट इज कॉल्ड क्रस्ट फॉलिंग. ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस अ $5 बिल. आई वुड हैव I would like to have these bus, but this is all I have got. उसने जो है अपना 500 का नोट डॉलर निकाले. $500 बिल. I would like to. और उन्होंने कहा मुझे ये बस चाहिए, but मेरे पास कितने पैसे हैं, 500 का डॉलर निकाला, but this all I have got. Just $5. तो उसने कहा भाई मेरे पास कितने हैं, just $5. Mentally Mr. Purcell, अब Mr. Purcell क्या था, शॉपकीपर था. उसने फटाफट क्या करा, कैलकुलेट करना शुरू करा. क्विक कैलकुलेशन किसने करी, Mr. Purcell ने. उसने कहा भाई मेरे पास तो 500 रुपीज है, और उन्होंने कितनी कॉस्ट बताई थी बच्चों, 550. तो उसने क्या करा, मेंटली मतलब पूरे दिमाग में क्या करा, ओरली जो है मेंटल सॉरी मेंटली मिस्टर पर्सेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन विच टोल्ड हिम दैट अ 50 सेंट रिडक्शन ही कुड स्टिल रिपेटाइडी प्रॉफिट. अब उसने कहा अगर इसमें से 500, उसने फटाफट कैलकुलेशन करा, क्विक कैलकुलेशन इन द माइंड क्या करा कि उसने कहा अगर 50 सेंट जो है मैं इसमें से कम कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ, रिडक्शन, तब भी मुझे क्या होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है, स्टिल रीपा टाइडी प्रॉफिट, फिर भी मुझे जो है बहुत अच्छा क्या होगा, प्रॉफिट होगा. अगर मैं 500 में से 50 निकाल भी देता हूँ, कम भी कर देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ, तो मे बी आई वॉज इन प्रॉफिट, आई मीन प्रॉफिट या जो भी था उसका उस समय कि ही वॉज इन प्रॉफिट. He smiled magnanimously. Magnanimously में बहुत खुश होते हुए जो है उसने बोला magnanimously कि my dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसको कितने रुपए में देता हूँ, $500 में. I will take them. He laid his $5 on the counter. उसने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा, आई विल टेक. और उसने $500 ही पुट देम ऑन द काउंटर. और उसके काउंटर में उसने कितने रुपए रख दिए, $5 ऑन द काउंटर. मिस्टर पर्सेल टॉटर्ड एंड टिप टो अनहुक्ड द केज. अब टिपटो मीन्स टॉटर्ड ऑन टिपटो. अब खुश होके जो है मिस्टर पर्सेल क्या करते जो है टिपटो पे खड़े होके अनहुक द केज, उस केज को निकाला उन्होंने, किसने, पर्सेल ने. एंड हैंडेड टू इट हिज कस्टमर. और इसको किसको दे दिया, कस्टमर को दे दिया. खुश होके जो है पर्सेल खुश होके, उन्होंने कैलकुलेट करा था अपने माइंड में कि स्टिल अगर 50 जो है डॉलर अगर वो उसमें से 50 सेंट जो है कम करते हैं, स्टिल ही वॉज इन प्रॉफिट. ही हैंडेड द केज टू हिज कस्टमर. द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड. अब कॉक्ड टू हिज हेड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कॉक्ड मीन्स जहां से आवाज आ रही थी तो उस तरफ उसी डायरेक्शन में उन्होंने अपना फेस कर दिया. द मैन cocked his head to one side. एक साइड में जो है उन्होंने अपना डायरेक्शन कर दिया जहां से क्या आ रही थी, नॉइज. What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. अब क्योंकि Mr. Purcell कौन थे बच्चे, पहले भी हमने yesterday भी डिस्कस कि किस तरह से वो जो है habitual हो गए थे, unaware हो गए थे कि कोई आवाज उनके शॉप से आ रही. बट अगर हम किसी की शॉप में जाएंगे या किसी पेट की शॉप में जाएंगे तो हमें थोड़ा कैसा लगता है बच्चों, स्ट्रेंज लगता है कि इतनी आवाजों के बीच में जो है वो बैठे हैं मिस्टर पर्सेल, तो वो जो है अनअवेयर है उस आवाज से. तो वो जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स थी, चीटिंग हो रही थी, चर्पिंग हो रही थी, या जितने भी जो है एनिमल्स आवाज कर रहे थे, तो वो उस डायरेक्शन में, कॉक्ड मीन्स उस डायरेक्शन में उसने अपना हेड जो है घुमा लिया, टर्न हो गया, टर्न हिज हेड टू वन साइड. लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग. अब कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, जहां से क्या आ रही थी चिटरिंग मीन्स
आवाज आ रही थी चिड़ियों की. द रशिंग स्कर्री ऑफ द शॉप, दैट नॉइज, ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू? तो उन्हें क्या, तुम्हें क्या कैसा लग रहा है, तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, नॉइज? उसने कहा नहीं भाई, इट इज जो है मिस्टर कर्सल लोग सरप्राइज, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल. उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. जैसे एज यूजुअल वो बैठे रहते थे शॉप में, तो उन्हें पता नहीं चलता था कि इतना जो है उनकी शॉप में इतना नॉइज हो रहा है, इतनी आवाजें आ रही हैं चिड़ियों की, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए थे. द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दीज केज स्टफ, और सारी जो केज थे जैसे हमने पहले पढ़ा था, बहुत ज्यादा ऑर्निट थे, गिल्टेड थे, सजे हुए थे. तो उन्होंने कहा ऑल केज स्टफ, भरे हुए थे सारे, उसमें कोई ना कोई बर्ड्स थी. ड्राइव्स यू केजी, डजंट इट? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, इधर द मैन. अब उनको जो है थोड़ा सा पीछे हो गए, ड्रू बैक मीन पर्सल जो है थोड़ा सा पीछे हो गए, ड्रू बैक. इधर द मैन वॉज इनसेन, कि उन्हें लगा ये थोड़ा सा क्या है, पागल है, इनसेन और ड्रंक, या इसने कुछ अल्कोहल ले रखी है, दैट्स व्हाई जो है वो इस टाइप की बातें कर रहे. He said, "Hesily, yes, yes, Hesily, I guess so." अब होता है कि मेरी शॉप में आया, मैं उसको बोल नहीं सकता भाई तुम पागल हो या क्या, क्योंकि अपनी भी एक डिग्निटी है. तो वो जो है वहां पे बोलते हैं, "Yes, yes, yes, Hesily, I guess so. Listen, the staring eyes came closer. How long would you think it took me to make the $5? तो उसके लिए तुम्हें इतना जो है $5 बनाने में कितना टाइम लगा? The merchant wanted to order him out of the shop, but oddly enough, he couldn't. He heard himself dutifully asking, why? अब उन्होंने उसी से क्वेश्चन पूछा, उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है. तो उसने उसी से पूछा क्वेश्चन कि तुम्हें why, how long did it take you? The other laughed. तो उसने कहा 10 years. 10 साल लगे हैं मुझे $5 कमाने में, एट हार्ड लेबर, बहुत मेहनत करी है मैंने, और 10 इयर्स मुझे लगे हैं, 10 इयर्स टू अर्न $5. उसने कहा 10 इयर्स लगे आपको अर्न करने में $5? 50 सेंट्स अ ईयर. उसने कहा 1 साल में मैंने कितने अर्न करने, 50 सेंट. इट वॉज बेस्ट फॉर सेल. तो इसका मतलब क्या है, अब मे बी जो है वो एक प्रिजनर रहा होगा और उसको जो है 10 साल यहाँ तक $5 कमाने में जो है इतना टाइम लगा होगा. इट वॉज बेस्ट पर्सन डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, माई 10 ईयर्स, दैट्स सर्टेनली ए लॉन्ग टाइम नाउ. तो उसने कहा बहुत समय लगा आपको इतना अर्न करने में, किसने उससे पर्सन, क्योंकि वो जो है अपनी दुकान में थे और ज्यादा जो है होता है ना कि दुकान में है तो क्या है वो शॉपकीपर है, ऑनर है. तो उसने किस तरह से रिप्लाई करा था कि भाई मुझे कितना टाइम लगा है, 10 ईयर. दे गिव यू $5, लव द मैन एंड अ चीप सूट एंड टेल यू व्हाट, टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन. मिस्टर पर्सन मॉक्ड हिज स्वेटिंग ब्रो. अब मिस्टर पर्सन ने जब ये सुना कि भाई उसने जो है 10 इयर्स लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब क्या है कि वो प्रिजन में थे, उसने उन्होंने बोला दे गिव यू $5, कि उन्होंने तुम्हें $5 दिए. लाफ द मैन एंड अ चीप सूट, एक जो है सूट जो पहना हुआ था, एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और दोबारा जो है फिर पकड़े मत जाना. मिस्टर पर्सन मॉक्ड मींस पूछना, और उन्होंने क्या करा, अपना जो स्वेटिंग आ रही थी, जो पसीना आ रहा था, उसको जो है उन्होंने अपने फेस से, अपने ब्रो से क्या करा, मॉप करा, पोछा. अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव आई वुड एडवाइस. वाह, द मैन स्वंग अराउंड एट द स्टॉक एब्रप्टली मीन तेजी से जो है वो वहां से फ्रॉम द स्टोर बाहर चले गए. पर्सन साइड विद सडन रिलीफ. अब जो है उन्हें थोड़ा सा एब्रप्टली में उससे जो है तेजी से जो है अचानक वो वहां से स्टोर से चले गए. पर्सल साइड विद सडन रिलीफ. अब जो है पर्सल को थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि भाई ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था, थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे
ही वेडल टू द विंडो, वेडल टू द विंडो मीन्स वो जो है खिड़की के पास गए एंड स्टेयर्ड आउट, और बाहर देखने गए कि वो क्या करते हैं. जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, हॉल्टेड में थोड़ा सा रुके, राइट. ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, अब उन्होंने अपना जो केज है कंधों से ऊपर जो है उसे पकड़ रखा था. किसने? कस्टमर ने, जो स्ट्रेंज कस्टमर थे. स्टेयरिंग एट हिज पर्चेस, और उसको जो है वो क्या करते, कॉन्टिन्यूसली देख रहे थे, उस पिंजरे को देख रहे थे. जैसे यहाँ पे दिखाया है बच्चों पिक्चर में कि अपने कंधे से थोड़ा सा उन्होंने पकड़ा हुआ है उसको, और उसको क्या करे, स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं. स्टेयरिंग एट हिज पर्चेस देन ओपनिंग द केज, और आफ्टर दैट क्या करते हैं, व्हाट ही डिड, ओपनिंग द केज. अब उन्होंने वो पिंजरा जो उन्होंने $500 से लिया था, और $500 कब कमाए थे उन्होंने, 10 years में, तो वो जो है उनको क्या करते हैं, ओपनिंग द केज, ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स. अब उसमें से जो है उन्होंने हाथ से एक डव को निकाला, ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसको जो है उन्होंने फ्री कर दिया, टॉस्ड इट इनटू द एयर. ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, दूसरा भी उन्होंने इसी तरह से जो है बाहर निकाल के उड़ा दिया. इट मीन्स ही सेट देम फ्री. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the windy city. तो बच्चों यहाँ पे क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखें. Wind-blown balls means, कई बार आप कहते हैं ना कि छोटी छोटी balls जो है रुई के जो है हवा में घूमते रहते हैं, और जब हवा तेज लगती है तो वो ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहे हैं, right? तो वो जो है जिसको आप लोग फूक मार के उड़ाते भी होंगे, कई बच्चे करते होंगे शैतानी, फूक मार के उड़ाते हैं ना बच्चों, और फिर वो उड़ता है, फिर आप ब्लो करते हैं उसको, फिर उड़ता है. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो चिड़िया जिसको हमने केज में रखा हुआ था, पर्सल ने, उसने, उस स्ट्रेंज आदमी ने उनको जो है सेट फ्री करा, और वो ऐसे उड़ी जैसे कि किसे तुलना करिए, विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंटी सिटी. और वो जो है, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि भगवान ने क्या बर्ड्स को क्या पंख दे रखे हैं, फ्री जो है, अनलिमिटेड जो है स्काई वहां उड़ने के लिए दे रखे, फ्रीडम दे रखे, और हम उनको अगर केज में रखते हैं तो बच्चों उनकी फीलिंग्स क्या होती है. अगर आपको कमरे में अगर बंद करके रखेंगे तो आप कैसा फील करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा बच्चों. तो हमें भी जो है सबकी फीलिंग्स देखनी चाहिए, और जैसे ही उनको फ्री करा तो वो ऐसे गायब हो गए, lost in the smoky grey of the windy city. For an instant, the liberator's silent and lifted gaze was after them. Then he dropped the cage. और कुछ देर तक वो जो liberator जिन्होंने उनको liberate करा था, freedom दी थी, कुछ देर तक silently उनको देखते रहे. After them, then he dropped the cage. और उसके बाद जो जिस केज में उनको बंद करा था उसको रखते हैं वो, he dropped it down. He showed both hands deep in his trouser pocket, hunched down, hunch बने, थोड़ा सा उकड़ू बन गए, उसको बोलते हैं hunch down, his head, ऐसे करके, उसको बोलते हैं hunch down his head, and shuffled away, और वहां से वो चले गए. The merchant's blow was puckered with peri, जो है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा वो सरप्राइज से या शॉक थे, अनएक्सपेक्टेड जो है ये जो सीन देखा था उन्होंने, जो साइट देखी थी, विथ पर्क्स लेक्सिटी, ये मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, कि अभी तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं था जिसने इतना नेगोशिएट करा था प्राइस के लिए, मोल भाव करे थे, और उसके बाद जो है उनको सेट फ्री करा. सो डेस्परेटली, डेस्परेटली मीन्स निराश होके, डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव्स दैट ही हैड लेट हिम have them at a reduced price, कि किस तरह से उसने जो है डव्स को क्या करा था, negotiate करके खरीदा था, and और फिर उसके बाद उनको set free करा, and immediately he had turned them loose, means turned them free. Now why, Mr. Purcell muttered, did he do that? तो उनको जो है थोड़ा सा धीरे से, muttered means धीरे से बोलना, तो उसे now Why, क्यों, Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt
वेगली इंसल्टेड. अब उन्हें लगा कि एक तरह से उन्होंने क्या करा, उसको उन्हें गुस्सा आ रहा था कि एक तरह से क्या इंसल्ट करी कि उसने नेगोशिएट भी करा, प्राइस कम कराए, उसके बाद उनको जो है वो सेट फ्री करा. तो बच्चों अगर आप लोग में भी अगर कोई केस बढ़ रखी है तो हमें भी जो है उनको जो है नेचुरल उनका एनवायरमेंट देना चाहिए. नेचुरल एनवायरमेंट क्या है, फ्री देम इनटू द फ्रेश एयर. हर कोई जीना चाहता है भाई, लाइफ जो है सबको दी है भगवान ने. अगर हमें भी कोई प्रिजन में रखता है, कैद में रखता है तो हम कैसा फील करते हैं. सेम जो है अगर हम बर्ड्स को केज करके रखते हैं, एक लिमिटेड एरिया रहता है. अब पिंजरे में क्या होगा बच्चों, लिमिटेड एरिया रहेगा, वो फ्रीडम नहीं रहेगी, कितना सैड होगा वो, राइट. तो अगर आपके यहाँ भी हैं तो प्लीज उनको जो है क्या करें, छोड़ दें, फ्रीडम दे दें उनको, उनको भी उनकी लाइफ जीने दें. क्लियर. तो यहाँ पे मैसेज है कि किस तरह से जो स्ट्रेंजर थे उनकी शॉप में आए, किस तरह से उन्होंने नेगोशिएट करा और खरीदा. उन्होंने कहाँ की शॉप में, पेट शॉप, किसकी थी पेट शॉप, पर्सल की थी और डिफरेंट एनिमल्स थे और वो हैबिचुअल हो गए थे उनके साउंड से, उनके नॉइज से. और किस तरह से स्ट्रेंजर आते हैं वो बाय करते हैं, कितनी बर्ड्स करते हैं, डव्स अपीयर ऑफ डव्स और फिर उनको फ्री करते हैं. तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा चैप्टर आई हैव समथिंग इन केज. तो व्हाट डू यू मीन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल आई हैव समथिंग इन केज. अब आपको क्लियर हो गया होगा, जस्टिफाई हो गया आपका टाइटल कि जो स्ट्रेंजर है उसने कहा था आई है आई वॉन्ट समथिंग इन केज, बट इट क्या होनी चाहिए उसकी विंग. क्लियर. तो रिटन बाय एलवी ग्रीव. दिस इज द समरी. तो अभी हम समरी डिस्कस करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. मिस्टर पर्सेल रैन अ शॉप ऑफ पैट्स. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसकी शॉप है, मिस्टर पर्सेल की, राइट. वो एक शॉप चलाते थे पैट्स की. वंडर ए स्ट्रेंज मैन. अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आप भी जाएं कोई पेट शॉप में देखें और वहां देखें कि कैसे एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं आवाज करते हैं और उसके बीच में जो शॉपकीपर बैठा रहता है क्योंकि वो अनअवेयर है या हैबिचुअल हो गया उन साउंड से. क्लियर. और हम अगर किसी शॉप में जाएंगे तो हमें जो है अनयूजुअल सा लगता है, बट जो शॉपकीपर है वो हैबिचुअल हो जाता है, राइट. तो वन डे ए स्ट्रेंज मैन केम देयर. एक दिन कौन आता है, एक स्ट्रेंज मैन. ही बॉट टू डव्स. कितनी खरीदता है, टू डव्स और यू कैन से अ पेयर ऑफ डव्स ऑफ द शॉप. ही लेट द डव्स फ्री. और उनको क्या छोड़ देता है, फ्री. दिस स्ट्रेंज एक्ट मेड मिस्टर पर्सेल अनइजी. हिज शॉप बिगिन टू अपीयर टू हिम अ हॉन्टेड हाउस. द शॉप हैड ऑल काइंड ऑफ पैट्स ऑन द शेल्फ. There were many cages. और बहुत सारे वहां पे पिंजरे रखे थे, जैसे मैंने बताया, सारे ऑर्नेट थे, सजे हुए थे, गिल्डेड थे. मिस्टर पर्सेल कंसीडर्ड हिमसेल्फ ए प्रोफेशनल मैन. देयर वॉज ऑलवेज सम नॉइज इन द शॉप. अब ऑब्वियस है कि कोई पेट शॉप है तो वहां किसकी आवाज आएगी, चिड़िया की आवाज आएगी, या जो है ट्वीटरिंग, स्क्रीमिंग, चिल्लाने की जो है, चिड़िया भी चिल्ला रही है, बर्ड्स है, पैट्स. और उनके शॉप में क्या थे इसके अलावा, ग्रेन थे, किसके, फिश का फूड था, बर्ड्स ग्रेन थे और मंकी थे, डॉग्स थे, कैट थे, इसके अलावा केस एनिमल्स. दिस वॉज क्रिएटेड बाय द साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन द शॉप. देयर सीम्ड टू बी एवरीवेयर अ फ्लिकर ऑफ लाइफ. द लाइफ इन केजेस डिड नॉट ट्रबल मिस्टर पर्सेल्स कस्टमर. They praise the cage animals and call them cute. अब कोई भी अगर हम जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं, उसकी फीलिंग्स नहीं देखते हैं कि भाई केज में वो खुश है या नहीं है. हम जाके सिंपली क्या कहते हैं, हाउ क्यूट, कितना अच्छा है, राइट, ब्यूटिफुल. तो क्या हमने कभी देखा है कि उनकी फीलिंग्स क्या है. मिस्टर पर्सेल शोज हिज कंसर्न अबाउट द वेल बींग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप. ही डेल्स इन फिश फूड. उसके अलावा उनकी शॉप में क्या था, मछली का खाना, फिश फूड. कईयों के घर में आपके एक्वेरियम होगा तो ऑब्वियस है आप कहाँ से लाते हैं, पेट शॉप से उसके लिए खाना लाते हैं. तो फिश फूड, बर्ड सीड एंड समटाइम ही प्रेस्क्राइब द रेमेडीज. अगर कोई एलिमेंट कैनरीज या कोई एनिमल या बर्ड बीमार आता है तो उसके लिए वो रेमेडीज भी बताते हैं, इलाज भी बताते हैं.
रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज गोल्डन बर्ड्स ही वोर, और उनके आंखों में क्या था, एक बहुत बड़ी हाई मैग्निफाइड ग्लास. ही वोर लार्ज ग्लासेस विच मैग्निफाइड हिज आईज, और बड़ी बड़ी लगती है. और किससे कंपेयर कर रहा था, आउल से. ही लुक्स मेड द ऑथर कंपेयर हिम टू ए वाइज आउल, उल्लू से एक तुलना करी थी उसकी, कंपेयर करी थी. जैसे उल्लू के आउल की आईज होती है ना बच्चों, बड़ी बड़ी राउंड, वैसे उसकी जो है पर्सल की कंपेयर करी. द नॉइस इन द शॉप डिड नॉट ट्रबल मिस्टर पर्सल, ही वॉज एज यूज टू इट एज टू द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक. और किससे कंपेयर करें, जैसे हम लोग जो है हैबिचुअल हो जाते हैं, जब क्लॉक जो है टक टक करती है तो हमें जो है हम अनअवेयर रहते हैं, हम परवाह नहीं करते. सिमिलरली मिस्टर पर्सल जो है यूज टू हो गए थे इस नॉइज के. द कस्टमर्स हु केम टू बाय अ पेट ऑल्सो डिड नॉट माइंड दिस नॉइज बट अ मैन हैड बॉट. बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि एक आदमी आया था और कितनी खरीदी उन्होंने, टू डव, टू डव एंड लेट दम फ्री. और किस जैसे एक स्ट्रेंज कस्टमर आया था और उसने टू डव को क्या करा था, सेट फ्री. पहले उसने खरीदा, उसको नेगोशिएट करा था प्राइस, और उसके बाद एकदम फ्री. तो बच्चों इसी को हम टुमारो कंटिन्यू करेंगे, और सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आएंगे चैप्टर. टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगी, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे. तो रिवाइज द चैप्टर एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.